जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण में कला और कौशल विकास पर कई कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम मुख्यालय 12 सेक्टर राष्ट्र राइफल द्वारा किया गया। महिलाओं को बेहतर मंच प्रदान करने की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में सेना द्वारा की जा रही विभिन्न सद्भावना पहलों के क्रम में बालापुर शोफिया में एक महिला अधिकारिता प्रकोष्ठ खोला गया है। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के पाठ्यक्रमों का उद्देश्य मौजूदा क्षमता के संबंध में जागरूकता पैदा करना है और उनके जुनून को आगे बढ़ाने और उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए इसे पेशे में बदलना है। अब तक सिलाई, कंप्यूटर, लर्निंग, जूस, अचार और लुगदी बनाने के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कई महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वर्तमान में ड्राइविंग और टेलरिंग पाठ्यक्रम प्रगति पर है, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20 छात्र भाग ले रहे हैं। पाठ्यक्रमों की समाप्ति के बाद सेना ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए सिलाई मशीन, कंप्यूटर और जूस और लुगदी बनाने की मशीनें प्रदान की। पूरी खबर देखें विस्तार से एबीटी न्यूज के लिए संवाददाता की रिपोर्ट। कोर्सेज किए और ड्राइविंग कोर्स स्टार्ट किया और हमने फ्रूट पल्प का कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें से हमने कम से कम हर कोर्स में हमने 20 स्टूडेंट्स लिए जिनको मशीन्स मिली, अभी घर जाके अपना काम कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आर्मी के कि उन्होंने हमें मौका दिया है। और हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें ड्राइविंग सिखाते हैं। हम यहाँ पे पिछले 1 मंथ से ड्राइविंग सीख रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग कोर्स है वो बहुत ही मुफीद हो रहा है हम सब के लिए। और यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ सीख रही है, सो हमारे लिए बेटर है कि हम यहाँ पे आके कुछ नया सीख रहे हैं। एज आई नो कि हम यहाँ पे इस तरह से नहीं सीख पाते, अगर हम कॉमनली अगर देख के जाते तो हम वैसे नहीं।